Good morning students, this video is for class 3rd and we are discussing the chapter 2, A New Opinion Towards Discipline. We have discussed about this chapter in our previous videos. So let's start our today's topic. Father, Sahil, first you must understand the real meaning of discipline. Let me show you this book with his picture and tell you about J. Krishnamurti's view on the subject. तो जो साहिल डिसिप्लिन इंचार्ज अपॉइंट किया गया था अपनी क्लास का, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि तुम्हें क्या है डिसिप्लिन के बारे में, सबसे पहले उसका रियल मीनिंग जानना होगा कि डिसिप्लिन का रियल मीनिंग क्या है. मैं तुम्हें ये बुक दिखाता हूँ जिस पर क्या है पिक्चर भी है और जय कृष्णमूर्ति का व्यू मैं तुम्हें बताऊंगा इस सब्जेक्ट में, इस विषय पर जय कृष्णमूर्ति के क्या विचार हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा. ही सेड दैट कंट्रोल एंड सप्रेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन इज एडजस्टमेंट, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन केयर एंड अफेक्शन. ही गेव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट. तो जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है कि कंट्रोल करना और सप्रेस करना, मतलब सप्रेशन मतलब दबाना किसी चीज़ को, ज़रूरी नहीं है. हमें क्या समझना है कि हमें यह समझना है कि डिसिप्लिन क्या है, एडजस्टमेंट है, और वो किस पर बेस होना चाहिए, वो केयर और अफेक्शन पर बेस होना चाहिए. तो उसी के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है अपने पॉइंट को समझाने के लिए. ही प्रोवाइडेड अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट अ बॉय डिड नॉट गेट अप ऑन टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द हाउस मास्टर ट्राइड टू डिसिप्लिन हिम. तो एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें क्या है, उन्होंने बताया एक बच्चे के बारे में जो जल्दी सुबह जल्दी नहीं उठता था, तो उस जो हाउस मास्टर थे उन्होंने उसको डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सिखाने की कोशिश की. ही इंसिस्टेड दैट इफ द बॉय डिड नॉट गेट अप अर्ली ही वुड बी पनिश्ड. तो उन्होंने क्या किया कि अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे तो तुम्हें क्या होगा, पनिशमेंट दी जाएगी, दंड दिया जाएगा. द हाउस मास्टर वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, इट वॉज जस्ट अ फॉर्म ऑफ फियर. ही शुड हैव ट्राइड टू फाइंड आउट वाई द बॉय वॉज लेजी एंड वेदर ही नीडिड एक्स्ट्रा केयर और मोर रेस्ट और एक्सरसाइज. तो क्या हुआ, वो उस मतलब वो क्या थे, वो करना तो नहीं चाहते थे ऐसा कि वो उसको पिटाई करें, उसको दंड दें और फिर उसको जल्दी उठाएं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको डराने के लिए बोला. तो उन्होंने वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या वो बच्चा लेजी है, आलसी है, या फिर उसको एक्स्ट्रा केयर और रेस्ट की और एक्सरसाइज की ज़रूरत है. साहिल, ऑल दैट जय कृष्णमूर्ति सेड इज सो ट्रू. तो वो भी जो भी जय कृष्णमूर्ति साहिल ने कहा जब उसके फादर ने जय कृष्णमूर्ति के व्यू बताया साहिल को, तो साहिल कहता है कि जो भी जय कृष्णमूर्ति ने कहा है वो सच है. देर इज़ अ बॉय इन माई क्लास रोहन Who shouts at others when the teacher is not there? I just don't know what to do. तो साहिल कहता है कि मेरी क्लास में भी एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन, जो क्या करता है जब टीचर क्लास में नहीं होते वो दूसरों पर चिल्लाता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए. तो फादर ने कहा, You can request the teacher to let him sit in the front row. Probably he wants more attention from the teacher और अदर्स एंड योर वर्क विल ऑल्सो बिकम ईजियर. तो साहिल के फादर ने साहिल से कहा कि तुम्हें अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उसको फ्रंट रो में बिठा दें, शायद उसे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत हो टीचर से, जिससे क्या होगा तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा. साहिल, डैड आई विल ऑल्सो टॉक टू माई क्लासमेट्स एंड टेल दैम दैट इफ वी मेनटेन डिसिप्लिन ऑल द टीचर्स विल प्रेज अस एंड वी कैन स्टडी वेल. तो साहिल कहता है कि डैड अगर मैं अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनसे भी बात करूंगा, अपने क्लासमेट से भी, कि अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम अनुशासन से रहेंगे क्लास में, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारी तारीफ़ करेंगे और हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे. फादर, यू ऑल विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन डिसिप्लिन. तो साहिल के फादर कहते हैं कि हाँ, इससे तुम क्या होगा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ध्यान लगा पाओगे, और इससे क्या होगा तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ेगा. सेल्फ डिसिप्लिन ही क्या है, सबसे अच्छा तरीका है डिसिप्लिन बना के रखने का. मतलब आप अपने आप को अनुशासन में रखो तो उससे क्या होगा अनुशासन बना रहेगा. साहिल, आई विल सर्टेनली ट्राई टू मेक दैम अंडरस्टैंड दैट वी शुड एम टू विन the trophy for being the most well-disciplined class in the school.
साहिल ने कहा कि हाँ, मैं उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें हमारा उद्देश्य यह रखना चाहिए, हमारा एम यह होना चाहिए कि हमें स्कूल में जो ट्रॉफी मिलेगी मोस्ट डिसिप्लिन क्लास की, वो हमें ही मिले। फादर, दैट्स राइट, यानी कि साहिल के फादर कहते हैं हाँ यह सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क, दिस इज़ योर लर्निंग वर्क, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स। ये आपको मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं बॉक्स से लेकर, तो फर्स्ट में आप, फर्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका सीरियसली, फिल है वो ऑलरेडी, सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन, फोर्थ इज सप्रेशन, फिफ्थ इज अटेंशन एंड सिक्स्थ इज कॉन्ग्रेचुलेशन।